यहाँ पे बुलाया है। आप सबको मालूम होगा कि इलेक्शन कमीशन ने रीपोलिंग के लिए त्रिपुरा में एक अनाउंसमेंट किया है। कांग्रेस पार्टी, हम डिसअपॉइंटेड हैं कि सिर्फ 168 बूथ में हमारा रीपोलिंग हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जमीन छोड़ने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस बाय इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेगी, जमीन में आके कॉन्टेस्ट करेगी, और ये हर जो बूथ है, जो अनाउंसमेंट हुआ है, उस बूथ में हम लीडिंग करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमको इंटरनल खबर ये भी मिला है कि हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन कांग्रेस जमीन छोड़ने वाली नहीं है और बीजेपी को फ्री रन देने वाली नहीं है। कांग्रेस इज गोइंग टू फाइट द 168 पोलिंग बूथ्स। इस आने वाले 12 तारीख को हम हर बूथ में बीजेपी को टक्कर देंगे, और भगवान के भरोसे में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम हर बूथ में लीड करेंगे। इस रिगार्डिंग सुष्मिता देव का जो केस था कि दे कैन नॉट गो इनटू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट है इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध, तो सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करेगी। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। हम सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिक कंप्लेंट लेकर जा रहे हैं कि आरओ ने कहा था 433 बूथ में इलेक्शन विशिएट हुआ है, विशिएट, तो इलेक्शन कमीशन ने कैसे उसको ओवररूल करके, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन ओवररूल करके आपने 168 किया है। और हम ये मामला स्पेसिफिक एलिगेशन लेकर जा रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ने ओवररीच किया है, क्योंकि उनका जो आरओ का रिपोर्ट था वो ग्राउंड रिपोर्ट था। कांग्रेस पार्टी सेपरेटली सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेसिफिक पिटिशन फाइल कर रही है। आपको मालूम होगा कि ये मीडिया में भी सबको मालूम होगा कि देयर वाज अ लेटर फ्रॉम द आरओ जिसमें उन्होंने कहा था कि 433 बूथ, ये कांग्रेस का दावा नहीं है, ये सीपीएम का दावा नहीं था, ये आरओ का खुद का आरओ का दावा था कि 433 बूथ्स पे इलेक्शन हैज बीन विशिएटेड। इस आप मेरा जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं उसका शब्द का लीगल मतलब समझिए, विशिएटेड, 433 बूथ्स में इलेक्शन विशिएटेड हुआ था। कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में स्पेसिफिकली इस भाषा का लेकर हम जाएंगे और हम सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे कि जब आरओ ने और सीओ का जो पूरा रिपोर्ट गया है उन्होंने कहा था 433, तो आप 168 में कैसे आए, ये आपने कैसा ये फिगर निकाला आपने। तो इस विषय में हम स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट में कल जाकर इस केस का हम इसको फर्दर ले जाएंगे। लेकिन 12 तारीख को जो 168 बूथ में जो इलेक्शन होगा, कांग्रेस अपना जमीन छोड़ेगी नहीं और बीजेपी को आराम से जीतने नहीं देंगे। हम हर 168 बूथ में लड़ेंगे और बीजेपी को वहां पे उनसे लीड करेंगे। तीसरा बात है कि कांग्रेस पार्टी, त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने स्पेसिफिकली, हम एक पिटिशन लिख रहे हैं, एक रिट लिख रहे हैं कि जो सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस, जो वेब कैमरा फुटेजेस था, इट शुड बी गिवन टू द कांग्रेस पार्टी कि हम लोग देखें, इट शुड बी गिवन टू द पब्लिक, क्योंकि ये पब्लिक एविडेंस है कि कहां में क्या हुआ है। हम लिखेंगे कि ये जो फुटेजेस हैं 433 बूथ्स में, वो हम चाहेंगे कि हमारे हाथ में आए। 433 में हम चाहेंगे कि सब बूथ में जो फुटेजेस था
वो हम मॉनिटर करेंगे, हम देखेंगे कहां में क्या हुआ है। तो ये डिमांड हमने किया है, ये हमारा हक बनता है कि ये जो सीसीटीवी फुटेजेस है ये हमारे पास उनको देना चाहिए, और ये सीसीटीवी फुटेजेस उसके बाद हम आपको भी दे सकते हैं, आप भी देख सकते हैं कि कहां में क्या गलती हुआ है।